नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एग्ज़ाम स्टडी चैनल ऑप्शन एक्सपर्ट पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है एमपीपीएससी का वर्ष 2015 का पेपर फर्स्ट जो था जनरल स्टडीज़, उसका सेट ए। इस प्रश्न पत्र को हम लगाएंगे ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वर्ष 2019 में जो एमपीपीएससी प्री आयोजित होने वाली है उसमें किस तरह का पैटर्न आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आपकी इस काम में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, 2 घंटा आपको दिए जाते हैं और 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने रहते हैं, तो बहुत आसान है। टाइम की कोई समस्या एमबीपीएससी की परीक्षा में नहीं होती है, ख़ासतौर पर जनरल स्टडीज़ की परीक्षा में। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप तुरंत आंसर दे पाते हैं। तो कुल 100 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है और 100 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। हम विषयवार चर्चा करेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न लगभग इसमें पूछे गए हैं और प्रश्नों का पैटर्न क्या रहा। साथ ही साथ हम आंसर को देखेंगे रिलेटेड अन्य जीके के साथ में भी, ताकि आपका कंप्लीट स्टडी हो पाए। देखिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, दिन था 27 सितंबर। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है इसका मुख्यालय। और वाशिंगटन में मुख्यालय स्थित है तो वाशिंगटन कहाँ पर है यह भी आपको पता होना चाहिए। वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। जो मैंने आपको इसका स्थापना दिवस बताया है उसे करेक्ट कर लीजिएगा, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 अन्य शहर भी फेमस है, उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो शिकागो, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का 1893 में भाषण हुआ था और भारत की ख्याति इन्होंने विश्व में फैला दी थी। दूसरा शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे सुंदर शहर माना जाता है और यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है। न्यूयॉर्क को अट्टालिकाओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भव्य इमारतें हैं। तो इस पहले प्रश्न से हमने इतनी सारी जानकारी देखी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टिना लगार्डे है इसकी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। अब बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा। जो भी फैक्ट मैं बताऊंगा आपको लेटेस्ट अपडेटेड फैक्ट बताऊंगा, ताकि आपका जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता चले। तो बांग्लादेश की हाल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है श्रीमती शेख हसीना। शेख हसीना कुल मिलाकर तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है और लगातार दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। बांग्लादेश के जो जनक थे शेख अब्दुल बुर रहमान कुछ उनका नाम था, उनकी बेटी का नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश की बात हुई है तो हर देश की आपको कम से कम राजधानी का नाम पता होना चाहिए और मुद्रा का नाम। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। ढाका और टका
मिलते जुलते शब्द हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में भी एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। अटल बिहारी के शासनकाल में ये चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो ओडी जो कंपनी है वह है जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी। अब बात हुई है जर्मनी की, तो जर्मनी के बारे में भी कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और जर्मनी की चांसलर का नाम है श्रीमती एंजेला मर्केल। जर्मनी के अलावा, माफ़ कीजिएगा, बर्लिन के अलावा जर्मनी में भी कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो म्यूनिक है, यह जर्मनी का एक बड़ा शहर है, और दूसरा हेमबर्ग भी जर्मनी का एक बड़ा शहर है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक अन्य शहर है जो कि प्रसिद्ध है। फ्रैंकफर्ट नाम से ही जर्मनी का शेयर बाजार है। इग्नाइटिस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम या अनीता देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब्दुल कलाम के नाम पर एक द्वीप का नाम भी भारत में रखा गया है जो कि ओडिशा में स्थित है, और उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम अब बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। बेटी नवजात शिशु एवं मातृत्व को सुरक्षित एवं सक्षम जीवन प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, यू एंड मी यह अभियान किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है हैजा से, डेंगू से, मलेरिया से या एड्स से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंगू से संबंधित है यह अभियान। 2014 में 11 मार्च को डेंगू को खत्म करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है किंग जॉर्ज संग्रहालय, एडवर्ड संग्रहालय, वाकणकर संग्रहालय या भंडारकर संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड संग्रहालय के नाम से इसे पहले जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? उदबी, फिरदौसी, अल बरूनी, बरनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरदौसी था शाहनामा का लेखक। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 15 या 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कारों की कुल संख्या है 16। कौन कौन से संस्कार हैं इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिंदू धर्म में संस्कार गर्भाधान से शुरू होते हैं और अंत्येष्टि तक चलते हैं। कुल 16 संस्कार कौन कौन से है देखते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, तीसरा होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, अगला है जातकर्म संस्कार, फिर है नामकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर आता है निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेध संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार या मुंडन संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार,
और अंतिम होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पीदस्सी एवं देवानाम प्री के रूप में किया गया है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक को। इसके अलावा अशोक ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की बात हुई है तो कलिंग से संबंधित एक पुरस्कार भी दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। लेकिन कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है, न कि इतिहास से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस या मेगस्थनीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तिका है इंडिका, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं ताकि कोई रिलेटेड फैक्ट छूट ना पाए। मेगस्थनीज की बात की है तो मेगस्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था, मतलब ग्रीस का रहने वाला था, विद्वान था। और यह किसके राज्य शासन में भारत आया था, किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज लगभग 5 साल तक महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत रहा था। यह समय 302 से 298 ईसा पूर्व के बीच का था। बात करें मेगस्थनीज की पुस्तक की, तो इसमें इसने अपने समय के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। दुर्भाग्य से इस पुस्तक की मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के इतिहासकारों के लेखन में हवाले के रूप में उसकी पुस्तक के काफ़ी सारे अंश मिलते हैं। हालांकि इन वर्णनों पर भी संदेह है, लेकिन इन्हें एकदम से ठुकराया नहीं जा सकता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे ईरान से काफ़ी लंबा समय सफ़र तय करना पड़ा था। रास्ते में वो पंजाब में भी रुका था, जिसका वर्णन भी उसने थोड़ा बहुत किया है। तो काफ़ी चीज़ों का इसमें वर्णन है, चंद्रगुप्त के विभागों के बारे में, सेना के बारे में, राज्य के लोग कैसे थे, इन सभी का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1753, 1757, 1764 या 1773। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष 1773 में पारित किया गया था। इस एक्ट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो दो बिंदु प्रमुख थे। एक तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का निर्णय भी वर्ष 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसमें था। अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? आपके ऑप्शन है 1825, 1827, 1829 या 1830। इसका राइट आंसर होगा 1829, ऑप्शन सी। अब यह सती प्रथा समाप्त की गई विलियम बेंटिक के द्वारा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण योगदान था राजा राममोहन राय का। इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था, जिसके कारण से सती प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्रुख सियार, रफ़ी उद दराजत, मोहम्मद शाह या रफ़ी उद्दोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। यह 12वां मुगल बादशाह था, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह
बारहवा मुगल बादशाह था। इसका शासनकाल 1719 से 1749 तक चला। सुंदर युवतियों के प्रति काफ़ी आकर्षित रहता था, इस कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय या गुरु अंगद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था और खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित था। इसी घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के आदेश पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर इसमें बल दिया गया था, लेकिन देशी भाषा के विकास को भी काफी महत्व दिया गया था। देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई थी और इसके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज भी खोले गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या 7 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साल के सभी दिवस भी आपको रट लेने हैं, परीक्षाओं में एकाध प्रश्न इससे जरूर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सहारा, कालाहारी, विषुवत रेखीय वन या पंपास। तो इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पाए जाते हैं पिग्मी। और विषुवत रेखीय वन प्रदेश में भी कहाँ पर? तो कांगो बेसिन में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मुंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है या फिर एक नगर है? तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार की घास है, अल्फा अल्फा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं कई बार एमपीपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो इसे आप रट्टा मार लीजिए। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है। यह सक्रिय क्लोरीन की उपस्थिति के कारण बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा, प्रचंड प्रचासा एवं चीखता साठा, यह क्या है? समुद्री तूफान है,
दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, या फिर प्रशांत महासागरी धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। गोलार्ध क्या होता है? पृथ्वी के दो हिस्से अध्ययन की दृष्टि से किए गए हैं। उत्तर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी का हिस्सा है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ ही होता है गोलय का आधा, तो पृथ्वी गोल है और उसका आधा। तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साटा कहा जाता है। ये सभी जो नाम दिए हैं ये वहाँ के स्थानीय नाविकों ने दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का काफी फोर्ट कहलाता है? आपके ऑप्शन है साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो या ब्यूनस आयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सेंटोस बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है, याद रखिएगा सेंटोस बंदरगाह कहाँ स्थित है? ब्राजील में, और इसी को कहते हैं काफी बंदरगाह। और ब्राजील कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। भारत की तरह ब्राजील भी कृषि प्रधान देश है। 25वां प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोहाइट कहते हैं समान वर्षा वाले क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या बद्रीनाथ में? दोस्तों यह प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं और यहाँ से गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? लेटेस्ट करंट का टॉपिक है, लेकिन देखिए 2015 के प्रश्न पत्र में भी यह पूछा गया था, तो इससे तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। सबरीमाला मंदिर में फिलहाल महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। यह स्थित है केरल में। बात हुई है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक तो केरल भारत का दक्षिणी तटीय राज्य है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पी विजयन, और केरल के राज्यपाल है पी सदाशिवम। हर राज्य के बारे में इतनी जानकारी कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिक्किम क्या भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है? तो इसकी सीमा तीन देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन। अगला प्रश्न है, बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है लोह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेला डीला। देखिए इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने से हमें एक चीज़ पता चलती है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रश्नों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें खास तौर पर फसलों से संबंधित, देश और उनकी राजधानियों से संबंधित, बंदरगाह से संबंधित और प्रमुख खनिज उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद कर लेना है, कौन सा देश किस फसल के लिए, किस खनिज के लिए
और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हर एक चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, लेकिन जो भारत से जुड़े हुए चीज़ें हैं जैसे कि लौह अयस्क भारत में भी पैदा होता है, तो भारत में जितनी भी फसलें पैदा होती है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यदि भारत में सोयाबीन पैदा होती है तो विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला देश कौन सा है। इस तरह से तो बेलाडीला जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत लौह अयस्क का निर्यात जापान, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका इन सभी देशों को करता है, इसलिए आपसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह कहीं ना कहीं भारत से भारत को लाभ पहुंचाने से संबंधित होते हैं, तो जिस भी देश से भारत के रिश्ते हैं उन्हीं देशों के बारे में आपको याद रखना है, हर एक देश के बारे में याद नहीं रखना है। लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं, तो कुल 193 देश सर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में है। अब मैंने यह अगला प्रश्न नहीं देखा था कि भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, लेकिन मैंने इससे पहले ही आपको कहा कि फसल उत्पादक राज्य और देश इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश मक्का और मिर्ची के मामले में भी देश में नंबर वन है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, अच्छा देखते हैं कुछ प्रश्न छूट गए क्या। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन वाला तो हमने देख लिया था, हाँ कुछ छूट गए हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का या ओडिशा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा का कोयला तालचेर के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात यहाँ पर हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा से संबंधित भी कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ओडिशा की राजधानी, सर्वप्रथम चीज तो यही है कि हर राज्य की राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, राज्यपाल शायद बनवारी लाल पुरोहित है, आप अपने स्तर पर तस्दीक कर लीजिए ओडिशा के राज्यपाल कौन है। हर राज्य के राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन डी शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है, और मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, और राज्य का प्रथम जिला है राजगढ़, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, आपके ऑप्शन है गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जी विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपके ऑप्शन है सोलो मॉडल, डोमोर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या महालनोबिस मॉडल। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। इन्हीं के जन्मदिन को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप कमेंट करके ये बताइए कि सांख्यिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, यह प्रश्न भी दोस्तों आपके समसामयिकी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, वर्ष 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव।
और प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अगस्त 1952 को, जबकि प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। तो लोकसभा का गठन पहले हो गया था और राज्यसभा का गठन उसके बाद हुआ था। लेकिन भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 1947 से ही बन गए थे, जबकि आम चुनाव इसके काफ़ी देर से 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? आपके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति ने ही पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जबकि संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति भी नहीं, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 51वां, 52वां, 53वां या 54वां। तो इसका राइट आंसर होगा 52वां। दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, और दल बदल का प्रावधान 10वीं सूची में संविधान की है। यह संविधान 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित सभी प्रावधान है। तो याद रखिए, 10वीं सूची, 52वां संविधान संशोधन, वर्ष 1985 दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक। इसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124, 124, 124 में भारतीय संविधान का उल्लेख है। 124, 421 माई नेम इज लखन, एक गाना आपने सुना होगा, उसी के माध्यम से आप ट्रिक के रूप में इस अनुच्छेद को याद कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार खुद ही के निर्णय को बदल देता है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रंजन गोगोई, इनका नाम आपको याद रखना है। और भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से या भुगतान संतुलन से? तो इसका राइट आंसर होगा भुगतान संतुलन से संबंधित है। 40वां प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास, इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, जो भी कहेंगे, इंग्लिश का नॉलेज मुझे इतना नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उससे संबंधित है सतत आर्थिक विकास। तो इसका अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो भविष्य से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना।
इंग्लिश में पेपर आता ही आप देख सकते हैं यदि इंग्लिश में देखना चाहे तो। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? आपके ऑप्शन है, जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका विश्व का प्रथम प्रजातंत्र है, यह भी आपको याद रखना है, यही से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आपके ऑप्शन है, चुनाव सुधार, पंचायती राज में सुधार, जिला प्रशासन में सुधार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव से संबंधित प्रश्न 2015 में भी बहुत सारे पूछे गए थे, तो इस वर्ष भी बहुत सारे प्रश्न चुनाव से संबंधित पूछे जा सकते हैं। चुनाव से संबंधित कुछ फैक्ट, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम से कम उनको तो आप याद कर ही लीजिए। आपको याद सब करना है लेकिन एक क्रम से, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद में इम्पोर्टेंट, और लास्ट में जनरल। तो चुनाव सुधार से संबंधित है तारकुंडे समिति। इसका गठन 1974-75 में किया गया था, स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से। जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधार हेतु इसका गठन करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जो लिखा था उससे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, इंग्लिश में समझ में आसानी से आता है चाहे वो हिंदी भाषी व्यक्ति हो। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, लेकिन इसका जो किताबों में दिया गया है वह इस प्रकार से दिया गया है फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, डीडी बसु, एम वी माथुर, आशुतोष पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम वी माथुर ने यह प्रस्ताव दिया था कि वित्त आयोग और योजना आयोग को विलय कर दिया जाना चाहिए। बात आई है वित्त आयोग एवं योजना आयोग की, तो इनके अध्यक्षों का नाम आपको पता होना चाहिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री केलकर, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है श्री केसी नियोगी। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। योजना आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है श्री अमिताभ कांत। तो इतनी जानकारी आपको योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग देखिए योजना आयोग अभी खत्म हो चुका है, फिलहाल कौन सा चल रहा है, फिलहाल योजना आयोग के स्थान पर गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, वर्ष 2015 में, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई नीति आयोग की। तो नीति आयोग के ही अध्यक्ष का नाम
नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष का नाम डॉक्टर राजीव कुमार है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम अमिताभ कांत है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है विनोद गांगुली। अरे 45वां प्रश्न इसमें दे रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री, तो यह तो प्रश्न ही गलत है साहब। इसका राइट आंसर जो है वह है श्री अरुण कुमार मेहता है, वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष है। यह आप याद कर लीजिए, यह प्रश्न गलत था 45वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शन है जल ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन है। जल ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा सभी नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं कि एक बार आपने उपयोग कर लिया लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति में उनकी उपलब्धता पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेतक, हिमी संकेतक, विवर्तनीय संकेतक या दीर्घकालीन परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। बाकी वानस्पतिक, हिमी या विवर्तनीय संकेतक ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वो जो हमने देखा था इंग्लिश में भी क्या ऐसा ही है, या इंग्लिश में सही ऑप्शन दिए थे वह हम देख लेते थोड़ा सा। प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 45 इंग्लिश में भी गलत ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है? गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार या कृषि प्रदूषण? तो सीधी सी बात है, ऊपर के तीनों तो समाज से ही पैदा होते हैं, लेकिन कृषि प्रदूषण अलग चीज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित क्षेत्र नहीं है? बर्मा का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का तटीय क्षेत्र सुनामी से प्रभावित नहीं है, बल्कि और सारे सुनामी से प्रभावित है। बर्मा और बंगाल खाड़ी का तटीय क्षेत्र ये सभी सुनामी से प्रभावित है। देखिए, सुनामी भारत के पूर्वी हिस्से में आती है, जापान और इंडोनेशिया से लगे हुए हिस्से में, तो इसी हिस्से से लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र और म्यांमार का तटीय क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर सुनामी आती है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या अरब सागर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह था दोस्तों हमारा MPPSC 2015 का सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैंने यह वीडियो बनाकर आपकी किसी प्रकार से मदद की है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ, तो उनका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाते हैं। यदि आपको सब्सक्राइब करने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकान होता है, घंटे का बटन या नोटिफिकेशन आइकान भी उसे कहते हैं, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।